हेलो, वेलकम टू हम गेट। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अपने एम्पलीफायर के बेसिक्स पढ़ रहे थे, एक एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर कर लिया था, तो आज बाकी के एम्पलीफायर्स पे अपने डिस्कस कर लेते हैं ना जल्दी जल्दी। आपको पता है वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ रहे थे तो आप एक टू पोर्ट नेटवर्क बनाया था, वैसे ही यहाँ पे एक बना लो, ठीक है। ये बनाया गया वोल्टेज एम्पलीफाई की थी पहले में, दूसरे में चलो अपने क्या लेते हैं, करंट सिग्नल ले लेते हैं। मेरे पास एक करंट सिग्नल है, इनपुट पे क्या है, इनपुट पे सर ले लिया मैंने करंट, आउटपुट पे भी ले लिया करंट। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है तो आउटपुट वाला क्या आएगा, आई नॉट इक्वल्स टू इसका गेन ए माना मैंने, गेन ही होगा ना ये, क्योंकि दोनों करंट है। आई इनपुट करंट बाय करंट कॉन्स्टेंट आएगा, इसको गेन बोल दिया, ठीक है, समझ आ गई। अब वहां पे क्या वोल्टेज मेजर कर रहे थे इनपुट में, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज दे रहे थे उसको मेजर कर रहे थे, यहाँ पे किसको मेजर करेंगे अपने, इनपुट के अंदर अपने क्या देंगे, इनपुट है वहां पे अपने क्या देंगे, करंट देंगे। करंट को लैब में कैसे मेजर करते थे, करंट को लैब में कैसे मेजर करते थे सर, एमीटर के थ्रू, एमीटर के थ्रू। और आपको पता है एमीटर कैसे लगता है सर्किट के अंदर, सीरीज के अंदर, एमीटर सीरीज के अंदर लगता है, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसे, ये मेरा एमीटर हो गया, ये एमीटर हो गया। इसको अगर मेरे को करना है तो मैं अगर रियल की बात करूं तो ये हो गया इसका आर ए, आर ए हो गया। अब एक बात बताइए, इस आर ए की वैल्यू वोल्टमीटर में क्या बताई थी मैंने, आर बी की वैल्यू इनफिनाइट। जब एमीटर की बात कर रहे हैं सीरीज में लगा रहे थे, वोल्टमीटर पैरेलल में था इसलिए इनफिनाइट कर रहे थे वहां पे, ये सीरीज में है तो इसका याद रखना आर ए की वैल्यू जीरो होती है, कितनी होती है जीरो। आर ए की आइडियली अगर मैं बात करूं, आइडियली आर ए की वैल्यू जीरो ओम होती है। अगर आर ए जीरो ओम हो गया तो वी इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना आ गया आपका वी अपॉन आर। अब आर अगर जीरो है, आर टेंस टू जीरो तो आई टेंस टू वन अपॉन जीरो इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये करंट इनफाइनाइट, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है एमीटर, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, पूरा पूरा करंट चला जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा करंट चला जाएगा। आई इनफाइनाइट है, कोई वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको रियल में बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे आर ए लगाया, वैसे ही चलेंगे अपने सारे, वैसे ही करने हैं। ये आर लगा, यहाँ पे करंट की बात कर ली, करंट कितना हो गया आपका आई इनपुट, ठीक है। अब ये देखो क्या है, वहां मैंने क्या बताया था, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बताया था, तो यहाँ पे क्या है देखो, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि करंट सोर्स है और करंट पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, खुद का समझाया था, वोल्टेज वाला लेक्चर देखा होगा आपको, अच्छे से याद होगा। यहाँ पे लगा दो आप करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा दो, यहाँ मैंने क्या लगाया बना, और करंट सोर्स को मैंने बताया था डिपेंडेंट सोर्स को डायमंड में लिखते हैं, ये इसका सिंबल हो गया आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसकी वैल्यू होगी ए आई एन, ए आई इनपुट, आई इनपुट होगी, ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मैंने बताया था करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल, जो कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है, तो ये मेरा आर एस हो गया, ठीक है, आर एस हो गया, ठीक है। अब इसमें बताइए देखो, इनपुट करंट आउटपुट करंट, इस एम्पलीफायर का नाम बताइए, पहले वाले में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, तो उसका नाम हो गया ना वोल्टेज एम्पलीफायर, इसमें इनपुट करंट आउटपुट करंट, इसका नाम क्या हो गया सर, करंट एम्पलीफायर, क्या हो गया करंट एम्पलीफायर, ये दो नंबर हो गया आपका करंट एम्पलीफायर। अब इसमें आप बताइए, अगर आप यहां से देखोगे तो आर इनपुट कितना दिखेगा आपको, आर इक्विवेलेंट के बराबर, तो कितना होगा आर ए होगा,
और आइडियलीज की बात करूं तो आइडियलीज की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, एमीटर के लिए जीरो, वोल्टमीटर के लिए इनफिनाइट। यहां से देखिए आर आउटपुट, आर इक्विवेलेंट कितना दिखेगा आपको, करंट सोर्स है, करंट सोर्स आइडियली ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया तो आर एस दिखेगा, वहां वोल्टेज सोर्स था वो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, वहां पे सीरीज में लगा था इसलिए वो शॉर्ट हो गया तो आर एस दिख रहा था, यहाँ पे ये ओपन हो गया इधर कुछ करंट जाएगा नहीं, सिर्फ आर एस ही बचेगा, इधर कोई और रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो यहां से देखोगे तो आर एस दिखेगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना गया, आर एस आ गया। और वोल्टेज सोर्स में अपने आर एस की वैल्यू कितनी बताई थी, आइडियली आइडियली बताई थी जीरो, तो यहाँ पे करंट सोर्स में आइडियली कितनी ओपन होने के लिए क्या होगा, इनफिनाइट, ठीक है इनफिनाइट। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आई है और क्या आई है बताओ, करंट एम्पलीफायर के लिए आप खुद निकाल सकते हो यार, आप खुद निकाल सकते हो, मैंने जो तरीका बताया ना पहला उससे चारों चारों खुद निकाल सकते हो आप। अब इसमें देखो ये गेन था ना, पहला पहली कंडीशन बताओ आर इनपुट कितनी आई, आर इनपुट आर ए, एमीटर का है, एमीटर का आईडी अगर मैं बात करूं, इसके आईडी अगर मैं बात करूं, आईडी बात करूं तो कितना होता है जीरो ओम, ठीक है। आर आउट की बताइए, आर एस है ओपन हो जाएगा, आईडी की बात करूं तो इंफिनाइट। तीसरा है ए है, गेन है, गेन वेरी लार्ज एम्पलीफाई करना है तो ये भी आईडी इंफिनाइट, रियल में बात करें तो ये वेरी लार्ज, ये भी वेरी लार्ज और ये वेरी स्मॉल। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना बात। ये आपका दूसरा करंट एम्पलीफायर, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, कैसे करिए जल्दी से करिए, आगे दो कंप्लीट करने अपने वो आज ही है ना, फिर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको खत्म करके ओपन पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया हुआ या पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको रख कर रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। समझ में आ गया ना, पूरा पूरा ईजी है ना, पहला समझ में आ गया ना, उसके बाद खुद आप डिराइव कर सकते हो, देखो कैसे किया मैंने ना, ठीक है। तीसरा अभी अपने तीसरे की बात कर लेते हैं, वही बनाइए आप, तो वोल्टेज और करंट हम भी रखना है, पहले दो वोल्टेज की दो करंट निकली, जैसे डिजिटल में कहते हैं जीरो वन वन जीरो वन वन है ना, जीरो वन जीरो जीरो, तो वैसे वोल्टेज वोल्टेज ले ली, करंट करंट ले लिया, अब करंट वोल्टेज ले लो, वोल्टेज करंट ले लेना है ना, क्या क्या फेरी बनेंगे ना, ये इनपुट पोर्ट हो गया आपका, ये आउटपुट पोर्ट हो गया आपका है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इनपुट में मैं मान लेता हूँ मेरा इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया आपका, आउटपुट में मेरा माना करंट, इनपुट में मान लिया वोल्टेज, अगले वाले में इनपुट में करंट ले लेंगे, आउटपुट में वोल्टेज, चारों पेश कदम चारों एम्पलीफायर कदम, सिंपल हो गया ना एकदम। अब इसमें बताइए मेरे को आप, अब इनपुट में ये माना है तो इनपुट में क्या मेजर कर रहे हो, इनपुट में मेजर करेंगे वोल्टेज वोल्टमीटर के थ्रू, आर वी होगा ना, आर वी, आई डी की अगर बात करूं तो इनफिनाइट, बताया था ना पहले जब वोल्ट वोल्टेज एम्पलीफाइड पढ़ा था तो यहां पे आर वी लगा दो आप, और इसके थ्रू वोल्टेज है तो वोल्टेज लगा दो वी इनपुट, ठीक है। अब इसका अपने गेन नहीं बोलेंगे, गेन होता है कॉन्स्टेंट यूनिट। अब यहां पे अगर देखो आउटपुट की अगर बात करूं तो आई की अगर बात करूं, आई नोट की कितना आएगा, वो ये जो भी होगा यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई, ये वैल्यू तो लार्ज होगी क्योंकि एम्पलीफाई करना है, बट ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए इसको गेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इनपुट क्या है, वोल्टेज वी इनपुट। अब आप एक बात बताइए, ये टर्म निकाल ली तो आई अपॉन वी, वी अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है आपका, वी अपॉन आई आपका रेजिस्टेंस होता है, वी अपॉन आई आपका रेजिस्टेंस होता है, आई अपॉन वी आपका क्या होगा, वन बाय आर, मतलब कंडक्टेंस, मतलब क्या होगा कंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी महो, ओम का रोटा, इसकी ओम होती है ना, इसकी ओम होती है तो ये महो हो जाएगा, ठीक है। इसका तो यहां पे ये क्या आएगा आपका कंडक्टेंस, इसको अपने जी से डिनोट करते हैं, इसको अपने जी से डिनोट करते हैं,
इसको अपने जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया आपका कंडक्टेंस, बोलते हैं क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे V by I अपना रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं I by V, 1/R, 1/R को बोलते हैं कंडक्टेंस जी, इसकी यूनिट है महो या फिर साइमंस, इसको अपने जी से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट नहीं था, इसलिए मैं इसको गेन नहीं बोल रहा। होगी तो इसकी वैल्यू वेरी लार्ज क्योंकि एम्पलीफाई करना है, बट ये क्या है, इसकी यूनिट रहती है, जी से डिनोट किया है, इसे डिनोट नहीं किया। इसको यहाँ मैंने बता दिया वोल्टमीटर लगा रहता है, आर भी लगा रहता है, ठीक है। इनपुट में वोल्टेज, आउटपुट में करंट आपका। अब देखिए आप, ये वोल्टेज आ गया, अब ये आई नोड है, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट, ये जो करंट सोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो इसका नाम क्या है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका नाम हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब आएगा कौन सा सोर्स, करंट सोर्स। आप करंट सोर्स बना दीजिए, करंट सोर्स का रिप्रेजेंट करने का ये होता है तरीका, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इंटू वी इनपुट। अब करंट सोर्स है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आर एस। अब इसका नाम क्या होगा, कंडक्टेंस आया ना, कंडक्टेंस आया तो उस हिसाब से नाम लिख दो इसका, I/VR है ना, I/VR है। इसका नाम क्या रहेगा आपका तीसरे का, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस मतलब वोल्टेज को करंट में कर दिया, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ये आपका तीसरा हो गया आपका एम्पलीफायर। समझ में आया ना, नाम भी देखो निकाल के बता रहे हैं कि कैसे नाम बना है, इसका मजे आए नहीं है। अब इसमें बताओ आप, इनपुट के अंदर क्या है, वोल्टेज है, इनपुट में वोल्टेज है आपका, वोल्ट मीटर लगा है, तो आर इनपुट की वैल्यू बता दो आप फटाफट मेरे को, ये दिखेगा नहीं आपको, तो आर इनपुट की वैल्यू बता दो, पहली कंडीशन इसकी कितनी होगी, वोल्ट मीटर है सर, वोल्ट मीटर आर भी, आईडी अगर बात करूं तो इनफिनाइट, आर आउटपुट की वैल्यू बता दो, यहां से देखोगे ना आर इनपुट, यहां से देखोगे आर आउटपुट, ये ओपन सर्किट हो गया सर, करंट सोर्स तो हट जाएगा, सीधा आर एस दिखेगा, ये आर आउटपुट, आर आउटपुट की वैल्यू बताओ, आर एस कितना होगा, करंट सोर्स है तो ये भी इनफिनाइट, और जी कंडक्टेंस की वैल्यू इनफिनाइट, वेरी लार्ज, रियल केस में वेरी लार्ज, ठीक है। ये आईडीडी की मैंने बात की, आईडीडी केस में ये आपकी तीन कंडीशंस होगी, समझ में आया ना आपको, समझ में आया। चौथा आप खुद बना के देखना, खुद बनाओगे तो कैसा बनेगा चौथा, बताओ, ये जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर दीजिए, नाम आपने निकाल दिया, मजे आ रहे हैं ना। हाँ सर, एकदम आसान हो गया काम, वोल्टेज एम्पलीफायर समझो, बाकी तीनों निकालो। और वोल्टेज एम्पलीफायर का तरीका मैंने बताया, पहले मेजर करेंगे एक एक चीज, आपकी बेसिक चीज है, यहाँ पे भी वैसे ही चलना है, चौथा भी वैसे ही निकाल देंगे, दो मिनट लगेगी, देखो नोट कर लिया आपने, ठीक है। अभी वाले टेबल बनाते हैं, फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में फंक्शन और बना दूंगा इस पे, फिर आपका हो जाएगा ना। अभी देखिए चौथे की अगर होगा वही फोर्थ वन की अपने बात कर लेते हैं, उसमें क्या दिया था, उसमें आउटपुट पे अपनों ने आई दिया था, इसमें आउटपुट में बी ले लो, लास्ट केस बनेगा, यहां इनपुट में आई ले लो। अब इनपुट पे आई लिया है, इनपुट में करंट मेजर करेंगे, इनपुट में क्या मेजर करोगे, करंट मेजर करोगे, एमीटर होगा, है ना। हाँ सर, एकदम आसानी से हो रहा है। अरे वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो। आईडीडी वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो। आईडीडी अगर बात करेंगे तो जीरो, ठीक है। अब लगा दो इनको, यहां पे लगाया मैंने आर ए, ठीक है, करंट है तो यहां से आई इन पुट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, देखो आउटपुट में वोल्टेज वी नॉट इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट में देख लेंगे क्या आएगा, इनटू में आई। अब वी अपॉन आई क्या होता है बता दीजिए आप, वी अपॉन आई क्या होता है सर, वी अपॉन आई तो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आ गया ना,
रेजिस्टेंस आ गया तो इसका एम्पलीफायर का नाम बता दो। सर ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर नहीं है ये, सर ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। ट्रांस रेजिस्टेंस वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये फोर्थ वन हो गया, आपका नाम भी आपने निकाल दिया इसका। अब बताइए आप मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का बना के बताइए आप मेरे को, यहाँ पे कौन सा सोर्स आएगा? वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स आएगा। वोल्टेज सोर्स बना दिया, सही है ना, बना दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? आर इंटू आई इनपुट, आर इंटू आई इनपुट। वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा उसकी आर एस। अब इसका बताइए मेरे को, यहां से देखोगे तो आर इनपुट बताइए, और यहां से देखोगे तो आर आउटपुट बता दीजिए मेरे को। तीन कंडीशन बता दीजिए इसकी भी, इसकी तीन कंडीशंस बता दीजिए मेरे को। सर दो अभी बता देते हैं। पहली कंडीशन आईडीडी, अगर मैं बात करूं आर इनपुट, सर वोल्ट एमीटर लगा, एमीटर से मेजर कर रहे हैं तो आर इनपुट आर ए जीरो ओम। आर आउटपुट, सर वोल्टेज सोर्स लगा है सीरीज के अंदर होता है तो शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, वहां पे भी जीरो ओम। आर वी की वैल्यू, आर एस की वैल्यू भी जीरो ओम। यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है इन वेरी लार्ज, तीनों कंडीशन आ गई ना। अब एक समरी बना दीजिए चारों एम्पलीफायर की, चारों एम्पलीफायर समझ में आ गए ना? ठीक है, पहला कौन सा था? वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा करंट एम्पलीफायर, तीसरा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, चौथा सर ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। कौन सा? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। डिपेंडेंट सोर्स का भी मैंने फंडा बता दिया यहाँ पे, तो ये आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, कैसे कर लिए एक समरी बना लेते हैं। ठीक है, कर दिया ना, खुद ने किया ना, यही होता है। देखो यार पढ़ने का तरीका बढ़िया हो ना तो इंसान चीज निकाल सकते हैं। एक बार एक कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद आगे वाले कंसेप्ट इजी है, उस कंसेप्ट पे बेसिस पे है तो आगे वाले इजी है। अब एक टेबल बना दीजिए चारों की, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांस कनेक्टेंस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, क्या 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 होता है, टेबल बना लीजिए चारों की। ठीक है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में लिख दो यहां पे आर इनपुट, यहां लिख दो आर आउटपुट, यहां या तो गेन आएगा या ओम आएगा या महो आएगा। ठीक है, तो पहले की बात करो आप, पहले की बात करो तो पहले में क्या है आपका? वोल्टेज एम्पलीफायर। दूसरा कौन सा था? करंट एम्पलीफायर। तीसरा कौन सा था? ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। चौथा कौन सा था? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बताइए मेरे को। वोल्टेज एम्पलीफायर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट में वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का क्या रहता है? इनफाइनाइट। आउटपुट में वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का कितना रहता है? जीरो। गेन ए, जो कि इनफाइनाइट होगा, वेरी लार्ज होगा। ठीक है, आईडीडी, आईडीडी बना रहा हूं मैं। ठीक है, आईडीडी की टेबल। करंट एम्पलीफायर है, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट में एमीटर, एमीटर का जीरो रहता है, आउटपुट में करंट सोर्स, करंट सोर्स का इनफाइनाइट रहता है, इसमें ए आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है, इनफाइनाइट। ट्रांस कनेक्टेंस एम्पलीफायर, सर आउटपुट में करंट, इनपुट में वोल्टेज, इनपुट में वोल्टेज तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट, आउटपुट में करंट, करंट सोर्स, करंट सोर्स का इनफाइनाइट, और ये जी वेरी लार्ज। ठीक है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, इनपुट के अंदर वोल्टेज या करंट, क्या इनपुट के अंदर करंट, आउटपुट में वोल्टेज, तो करंट का क्या होगा? जीरो। आउटपुट में जीरो, तो ये आर वेरी लार्ज। चलिए।
यार वो टेबल बन गई है आपकी, इक्वेशन डिस्कस करते हैं इसके बाद, या आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप चार एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सा एम्पलीफायर क्या होता है। तीन आपने खुद ने ड्राइव किए, एक मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आया ना मजे। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।